और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की टेंशन भी सामने है। डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली में 60 ओमिक्रॉन के केस की ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री ना होने से कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका है। ओमिक्रॉन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ये कहा कि यात्रा नहीं करने वाले लोग भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं और ये चिंता की वजह है। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 263 केस सामने आए हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादातर केसों की नहीं है तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका को और जाहिर करता है और ज्यादा उजागर करता है और ये चिंता की बड़ी वजह है। देखिए, देश के टॉप 5 स्टेट ओमिक्रॉन का अटैक कहां पर सबसे ज्यादा है वो भी आपको बताते हैं और उससे कितनी चिंता हमें और होनी चाहिए वो देखिए। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 961 हैं अभी तक और इनमें जो मामले सबसे ज्यादा हैं वो देखिए कहां हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं 263 केस और महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर हैं 252 केस। इसके बाद आता है गुजरात जहां पर 97 केस हैं, राजस्थान में 69 केस हैं और केरल में 65 केस हैं। ये टॉप 5 है। 15 से 18 साल के 7.5 करोड़ किशोरों का वैक्सीनेशन अभी बाकी है और चुनावी रैलियां सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है, ये एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं। राजनीतिक दल भले ही इसको माने या ना माने, लेकिन कुलदीप जी, बड़ा सवाल मेरा आपसे ये कि सत्येंद्र जैन जी चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए ये कम्युनिटी स्प्रेड की जो आशंका है उसको जाहिर करता है और हमें चिंता करनी चाहिए। आप भी बता रहे हैं कि कितनी गाइडलाइंस जारी की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी या किसी भी राजनीतिक की आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी क्या सिर्फ दिल्ली में, क्योंकि आप सरकार में हैं तो दिल्ली में आपको गाइडलाइंस जारी करने तक ही आपकी जिम्मेदारी है। आप पंजाब में जाकर, आप दूसरे प्रदेशों में, गोवा में जाकर, आप वहां जाकर रैली कर सकते हैं, आप वहां जाकर प्रोटोकॉल्स का पालन ना करें वो सही है। राजनीतिक दलों को क्या अपनी जिम्मेदारी को जो आपकी जहां आप सत्ता में हैं उससे आगे बढ़कर नहीं सोचना चाहिए क्या? सुमेरा जी, पहली बात तो ये कि जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो रही है या जो भी केसेस आ रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि समय पे फ्लाइट बंद नहीं की केंद्र सरकार ने, पहली वजह उसकी ये है। दूसरी बात एक और मैं बता दूं आपको, अभी सजाद पुनेवाल जी की बात का जवाब दे दूं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमारे कोरोना योद्धा होते हैं, डॉक्टर हमारे भगवान का रूप होते हैं। आज वही डॉक्टर जिन्होंने फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में काम किया था, अपनी जान को हथेली में रख के काम किया था, जो भगवान का रूप है, आज उन्हीं के ऊपर ही दिल्ली पुलिस के द्वारा केंद्र सरकार डंडे लगवाने का काम कर रही है, उनको जेलें बंद करने का काम कर रही है। तो ये तो इनकी दोगली राजनीति है कि डॉक्टरों के साथ भी किस प्रकार व्यवहार करने का काम करते हैं। दूसरी बात यह कि आज ये पूरी डिबेट में देख रहा हूं, पूरी डिबेट अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी के पास कंधों के ऊपर है। इनको ये लोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे बख सकते हैं? के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री की जेएस के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गोल पोस्ट होता है, हर पार्टी कहती है उनसे पूछिए। आप कह रहे हैं आप दिल्ली सरकार में, मैं आपसे पूछती हूं तो आप कहते हैं कि केंद्र सरकार से पूछिए, केंद्र सरकार से पार्टी की बात नहीं है। सुमेरा जी, आप पार्टी की बात मत करिए, सुमेरा जी आप पार्टी की बात मत करिए, आप बात करिए जिसकी जिम्मेदारी है, जिस देश के लोगों ने मौका दिया, आप सरकार की बात कीजिए। लेकिन अगर दिल्ली में, अगर दिल्ली में, लेकिन बड़ा सवाल देखिए ये है, मैं तुरंत जवाब देना चाहता हूँ, जवाब दीजिए, लेकिन बड़ा सवाल देखिए केंद्र सरकार को इनिशिएटिव क्या और स्ट्रॉन्गली नहीं लेना चाहिए जो अब तक मिसिंग है? जी सुमेरा जी, हमने इनिशिएटिव बहुत लिया है, हमने दिया भी है। ये पहले कहते थे वैक्सीनेशन हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, जब हमने उनसे कहा मत करिए हम कर देंगे तो उन्होंने माना नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने हमें ही दिया। तो ये असक्षमता का प्रमाण है कि आज कह रहे कि केंद्र ही करे, तो मैं मानता हूँ इनका असक्षम, इनकी असक्षमता है। और कैसी असक्षमता, अलका जी का स्टेट है महाराष्ट्र और केरल में वहाँ पर सांसद है, दोनों मिलाकर आज तक 50% मौतें और 50% केस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहाँ पर उनकी सरकार क्या कर रही है ये पूरा देश देख रहा है। जहां तक ये केजरीवाल जी की सरकार के लोग हैं उनसे बोलिए कि 170 लोगों ने एप्लीकेशन दी कोरोना काल में जिनकी जाने है। गई है, उन्होंने मांग की कि हमें कॉम्पनसेशन दे, एक एक करोड़ की बात करते 17 परिवारों को दिया है, 170 परिवार की लिस्ट को 17 परिवार को दिया है और ये कहते हैं सम्मान करते हैं कोरोना वॉरियर्स का। लेकिन 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 देखिए अभी तक जो इस चर्चा से निकलकर नतीजा सामने आया जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि अपनी जिम्मेदारी, जहां सत्ता में जो भी दल बैठा है वो अपनी जिम्मेदारी के तहत गाइडलाइंस भी जारी कर रहा है, कदम उठाने की बात भी ले रहा है, लेकिन जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात आ रही है दल के तौर पर, नेताओं के तौर पर, तो वो हमें नहीं उस तरह की दिख रही है जो इस समय होनी चाहिए, जिस तरह का खतरा हमारे सामने खड़ा है। क्या सबको एक जगह नहीं आना चाहिए? क्या सबको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? ये एक आम
नागरिक का सवाल है जो मुझे लगता है कि जरूर आज के दिन पूछ रहा होगा जब इन चुनावी रैलियों को देखता होगा और उसको कहा जाता होगा कि आप शादी में इतने ही लोगों को ले जा सकते हैं या आप न्यू ईयर पर पार्टी नहीं कर सकते लेकिन चुनावी रैली हो सकती है, तो ये लोग तुलना करते हैं इन तस्वीरों को देखकर, ये जरूर चिंता की वजह। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।